शरणार्थी, तुम्हारी एमबीए जो भी कोई डिग्री है ना उसे जाकर के आग लगा देना। भैया आज इंसान को चांद पे पहुंचे हुए भी सालों हो गए और तुम बाबा के पास जाओगी। मिसेस गुप्ता ने कहा कि वहां पर अंतरा ठीक हो जाएगी। कल को अगर मिसेस गुप्ता कहेगी कि अंतरा को यहाँ से नीचे फेंक दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो तुम फेंक दोगी? हाँ शायद तुम फेंक दोगी, वैसे भी तुम उससे नफरत करती हो। भैया प्लीज, मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, मैं उसका इलाज कराने के लिए ले गई थी बाबा के पास। हाँ भैया, वो बाबा हर पागलपन का इलाज कर। कोई बाबा पागलपन का इलाज नहीं कर सकता आरती। 21वीं सदी की लड़की हो, स्कूल कॉलेज गई हो और ये सोच है तुम्हारी, ये सीख कर आई हो तुम। साइंस और मेडिसिन को छोड़कर एक बाबा के पीछे जाओगी तुम बीमारियों का इलाज कराने के लिए? अरे अब तो गांव के लोग भी ऐसे ढोंगी बाबा को छोड़कर डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम्हें पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया आरती। तुम्हें एक बात दिखा दी कि पढ़ाई लिखाई भी तुम्हारी मानसिकता नहीं बदल सकी, पढ़ लिख कर भी तुम एक अनपढ़ ही हो। प्लीज, अंतरा पागल है, पागल है। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुम्हें, अंतरा पागल नहीं है, वो ऑटिस्टिक है और उसे किसी बाबा की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। और खबरदार, आइंदा तुमने अगर अंतरा को पागल कहा तो ना कहना। चलिए यहां से। आरती, आरती रुको। पापा, देखो अंतरा को चोट लगी है। पापा, अंतरा को चोट कैसे लगी? पापा, आरती बुआ हमेशा क्यों अंतरा को पागल बोलती है? जोर जोर से चिल्लाती है इसीलिए? नहीं बेटा, अंतरा पागल नहीं है, वो खास है। पापा, क्या मैं भी खास हूँ? अभिषेक चलो। I'm sorry भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, चलो नाश्ता कर लो, चलो। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हिसाब कर रहा था, पता नहीं ये सब कैसे होगा। क्या कैसे होगा? देखना, कर के लिए कुछ 30,000 रुपए लग जाते हैं, अंतरा के इलाज के लिए 45,000, कहां से आएंगे? मेहता भाभी को बता। नहीं, अभी तक नहीं। कम ऑन यार आदित्य, जिंदगी में कुछ शेयर करना सीखो। कब तक सारी बातों को अपने दिल में दबा के रखोगे? बताऊंगा, लेकिन यार मैं उससे पैसा नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता तुमसे पैसे? तू मुझसे पैसे नहीं ले सकता, तू उनसे पैसे नहीं ले सकता, तो क्या पैसे के आसमान से आएंगे? वही तो सोच रहा हूं। देखा आदित्य, जिंदगी में लोगों को मदद करने का मौका दो। तुम भी तो लोगों की मदद करते हो ना जब उन्हें जरूरत पड़ती है। अरे यार, जब कहीं बात नहीं बनेगी तो तेरे पास ही तो आऊंगा। तू नहीं सुधरेगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। अच्छा समीर, मुझे अंतरा को स्कूल से पिकअप करके विक्रम के क्लिनिक पर छोड़ना है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाइए। ठीक है। हाँ बोलो विद्या। दरअसल बहुत बारिश हो रही थी, मुझे लगा तुम भीगते हुए आओगे तो मैं अंतरा को यहाँ ले आई। तुम शाम को उसे पिकअप कर लेना। ठीक है, थैंक्स विद्या।